हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेलवे ट्रिमर्स में। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा देर पहले एक नोटिस रिलीज हुआ है फ्रेंड्स GDCA के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस में जो कहा गया है ये हम लोग देख लेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है फ्रेंड्स, और उसमें आप फ़ोन करके ये जान सकते हैं कि क्या जो न्यू रिक्रूटी है, जैसे हम लोग हैं, ये लोग भर सकते हैं फॉर्म या नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम ये नोटिस देखेंगे फ्रेंड्स, तो इससे आप लोग को कुछ चीज़ें, HRMS ID मांगा जा रहा है, मैं जैसे फॉर्म भरा रहा है दूसरा जोन का, उसमें कैसे हो रहा है, ये चीज़ भी आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्या हम लोग भर सकते हैं, क्या हो सकता है, इन सब के चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स, रेलवे ड्रीमर्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले मुझे एक नोटिस मिला है, 29 तारीख को ये पब्लिश हुआ था और आज 30 तारीख है फ्रेंड्स, तो शायद आज ही ये पब्लिश हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि एडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉर GDC 1 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा रहा है फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग एक नोटिस निकला है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नोटिस को पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा देखिए नोटिस, इम्पॉर्टेंट नोटिस, GDCE नोटिस नंबर RRC 1 2023, एडिशनल इंस्ट्रक्शन, जो नोटिफिकेशन नंबर है फ्रेंड्स, जो कि इनवाइट किया गया है JEE टेक्नीशियन, ALP, ट्रेन मैनेजर, इन सबको, ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी फील्ड फॉर ऑल टेस्ट। मान लीजिए ऑल पोस्ट के लिए, यानी अगर आप JEE भी किए हैं, डिप्लोमा टेक्नीशियन, ITI भी किए हैं और आप ग्रेजुएट भी हैं, तो आपका लिए एक ही फॉर्म भराएगा फ्रेंड्स सभी के लिए। फॉर एनी एम्प्लॉय सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, अगर कोई एम्प्लॉय एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करता है, ऑल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हिम इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। और सार इस अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करता है फ्रेंड्स, तो उसका जो सारा एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट करेक्ट एडुकेशनल डिटेल्स, HRMS एंड डेट ऑफ बर्थ इज फील्ड विच इज सिमिलरली अपडेटेड इन HRMS एज वेल। देखिए फ्रेंड, जैसे ही हम लोग HRMS ज्वाइन करने जाएंगे फ्रेंड्स, ट्रेनिंग से पहले ही हम लोग का HRMS ID बन जाएगा। तो क्या, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन में GDCA वाला कोई मिनिमम समय नहीं दिया गया है कि 2 साल का होना चाहिए, तो क्या अगर जैसे सियालदा वाले लोग को ID तो बन गया है पॉइंट्समैन वालों को, लेकिन उन लोग का पासवर्ड नहीं मिला है, तो ID और डेट ऑफ बर्थ से क्या वो लोग भर सकते हैं? तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं फ्रेंड्स ईस्टर्न रेलवे के जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके मन में। आगे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, फेलिंग विच देयर एप्लीकेशन लायबल टू बी, अगर वो लोग HRMS ID और डेट से HRMS एंड डेट ऑफ बर्थ इज फील्ड विच इज सिमिलरली अपडेटेड, जो आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन है, HRMS और डेट ऑफ बर्थ है, वो जो HRMS हम लोग का बनेगा फ्रेंड्स उसमें अपडेटेड होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑल कैंडिडेट टू इंश्योर दैट मोबाइल नंबर और ईमेल ID सबमिट और एक्टिव होना चाहिए फ्रेंड्स, हेल्पलाइन नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है फ्रेंड्स, किसी के भी मन में अगर कोई डाउट है तो आप में से कोई भी कि हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट डेट 29 तारीख तक है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 29 अगस्त तक, आज से तो शुरू हुआ है फॉर्म फिलअप करना, लेकिन 29 अगस्त तक का डेट है फ्रेंड्स। एक आध दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन 29 तारीख हमको याद है। तो आप इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे मेल करके या कॉल करके ये पता लगा सकते हैं क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कौन सा इंटरफेस आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग लॉगिन करने जाएंगे तो ऐसा एक इंटरफेस आ जाता है जिसमें HRMS ID मांगा जाता है और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, उसके बाद फर्दर जो फॉर्म है वो खुलता है। तो फ्रेंड्स, यही वहाँ बताया गया है कि आपका HRMS ID में डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब जो भी बोला गया है वो HRMS ID में भी होना चाहिए, मतलब सबमिट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या जिन लोगों का HRMS ID ईस्टर्न रेलवे में बन जाएगा 29 अगस्त से पहले,
क्या वो लोग इस फॉर्म को डाल पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है फ्रेंड्स। तो अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स। आज संडे है, मैं भी कोशिश करूंगा कि कॉल करके ये जान लूँ कि जो लोग का हो जाएगा। ये माना जा रहा है फ्रेंड्स बहुत सारे पोस्टों का ज्वाइनिंग इस महीने शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि पॉइंट्स मैन का ट्रेनिंग भी शुरू हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि कैसा इंटरफेस आ रहा है, उसके बाद उसमें फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन तीन चार पॉइंट्स जब ये GDCA का नोटिस निकला था फ्रेंड्स, तो उसमें इम्पॉर्टेंट था, एक था प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एक था PF नंबर। तो अब जब फॉर्म फिलअप करना शुरू होगा फ्रेंड्स, तब ये पता चलेगा कि क्या ये पोस्ट प्लेस ऑफ पोस्ट और जो है आपका IPF नंबर जो एम्प्लॉय नंबर होता है वो मांग रहा है। ये तो मांगना ही चाहिए। क्या जिनका जेनरेट हो जाएगा इस डेट तक वो डाल पाएंगे या HRMS ID बनने पर ही? तो ये बहुत सारे सवाल है फ्रेंड्स जो जिसके लिए कंफ्यूजन है कि ईस्टर्न रेलवे वाले जो कि इतने लेट कर चुका है ऑलरेडी ईस्टर्न रेलवे, वो लोग डाल पाएंगे GDCA का फॉर्म कि नहीं डाल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब जैसे ही मुझे पता चलता है आप लोग को अपडेट करूँगा। उससे पहले फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स।